लाहौर पुलिस ने छापा मारकर एहसन रमजान वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन को स्नोकर खेलते हुए क्यों गिरफ्तार किया, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आतिफ, आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं एहसन रमजान, जो कि गुज़श्ता रात पुलिस की कस्टडी में थे। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं आपकी एज कितनी है? 17 आपकी एज है। इसके अलावा आपने कौन कौन सा टाइटल पाकिस्तान के नाम किया है? स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप। ये किस किस ईयर्स की बात है? 2022 और 23। 2022 में आप वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं जी, और 2023 में एशियन चैंपियन। एशियन चैंपियन 2022 में आपने किस के अगेंस्ट आपने विन किया था? ईरान के। ईरान के। और 2023 में? ईरान के। वो भी ईरान के। अच्छा, इसके बाद हमें ये भी बताइए कि जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि गुज़श्ता रात आपके ऊपर जो पुलिस ने अफेयर की है, इसका क्या मामला है सर? देखिए, वो जो भी था वो सबके सामने है, तो कुछ देर के लिए उन्होंने मुझे हवालात में रखा था, तो काफ़ी अफसोस था इस चीज़ पे। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है मेरी, तो मैं उससे मुझे काफ़ी हौसला अफजाई हुई है मेरी, कि जो उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ़ जल्दी कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा और आपको ज़रूर हम बुलाएँगे। आपने जब आपको पुलिस ने हिरासत में लिया तो क्लब में थे जी? टाइम क्या था कल जो? कल नहीं हुआ था, परसों हुआ था ये वाकया, तो रात का टाइम था तकरीबन 12 बजे का। रीज़न क्या थी उन्होंने? क्या रीज़न? यही थी कि उन्होंने कहा कि क्लब बंद कर दें, कुछ ऊपर से ऑर्डर आए हैं जिसकी वजह से चीज़ें जल्दी बंद करवा रहे हैं। तो उन्होंने आपको ही क्यों हिरासत में लिया, आपको ही क्यों कस्टडी में लेके गए? मैं ओनर था अकेडमी का, तो मुझे ही लेकर जाना था। आप ओनर थे? यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ, अकेडमी की तरफ से खेलता भी हूँ, तो काफ़ी देर से मतलब एक काफ़ी सालों से ही यहाँ पर अकेडमी है, कोई नई नहीं थी बनी, तो पहले कभी नहीं ऐसे हुआ। तो अब जब आपको लेके वहाँ गए तो आपने उन लोगों को बताया नहीं SHO को कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो उन्होंने उनके क्या रिमार्क्स थे? जी, बताया गया था, तो आप लोगों को पता ही है जो हुआ था उसके बाद। तो उसके लिए उन्होंने जो आज CCPO सर थे, उन्होंने भी कहा है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी हुआ है तो हमें भी इस पर अफसोस है, तो इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा, उन्होंने कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा कभी भी नहीं ऐसा होगा, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वो उन्होंने कहा है कि हम एक्शन भी लेंगे, क्यों ना। इसके अलावा जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट के बड़े अदारे हैं, उन्होंने आपसे कोई कोऑपरेट किया है? किस किस्म का? जो भी आपके मीन्स के SSP, जो लाहौर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, ठीक है, इन्होंने की उनकी तरफ से कोई आपको कोई सपोर्ट्स मिली है? जी, CM ने फौरन नोटिस लिया था इस सिलसिले में, तो उन्होंने आज आना भी था इनके साथ, तो लेकिन वो नहीं आए, तो बाकी उनकी जो टीम आई थी उन्होंने कोई बिजी थे, तो काफ़ी बात हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी कोई हल निकलेगा। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में अभी आपकी गेम जारी है कि अभी भी डिस्टर्ब लग रहे हैं? देखें, अभी तो डिस्टर्ब हूँ, तो वापस आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा हो तो काफ़ी क्योंकि कोई भी गेम है तो मेंटली आपको बहुत रिलैक्स होना चाहिए, तो कुछ टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।